क्या नाम आपका? जी राम कुमार। राम कुमार। तो राम कुमार आप कहाँ पे काम सीखे हैं? जी काम कहाँ सीखे हैं? करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली इंटरव्यू देने आए हैं या फिर काम किए हैं? नहीं सर, इंस्टीट्यूट से ही आए। इंस्टीट्यूट से आए? जी सर। अच्छा, इंस्टीट्यूट में काम सीखने के बाद आपको ऐसा लगा कि हम फील्ड में काम कर लेंगे? जी सर, पैसा प्रैक्टिस करेंगे, करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, वहाँ प्रैक्टिकली वगैरह कुछ होता था काम? जी सर, रेकल होता था प्रैक्टिकल। तो फिलहाल अगर आपको एक मशीन दे दिया जाए, एसी दे दिया जाए, आप एसी का इंटरव्यू आज है, जी सर, एसी दे दिया जाए गैस चार्जिंग करने के लिए या कुछ उसमें फॉल्ट क्रिएट कर दिया जाए, तो आप सही कर लेंगे उसको? जी सर, 100% कर लेंगे? जी सर। कॉन्फिडेंस है पूरा उसमें? जी सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि विंडो एसी में कितना ग्राम गैस डालते हैं? 700 से 1 kg, 700 ग्राम से 1 kg। टन के हिसाब से होता है या फिर क्या? नहीं सर, टन के हिसाब से नहीं डाल सकते सर। अच्छा, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितना टन, कितना मतलब कितना ग्राम गैस लगेगी, कैसे पहचानेंगे आप? जी कैसे ये पता लगेगा आपको कि हम इस एसी में इतना ग्राम गैस डालें, इस एसी में इतना ग्राम गैस डालें? सर, सिस्टम में देखकर हम जितना पड़ा रहेगा उतना डाल देंगे। कहाँ लिखा रहेगा ये? जी सिस्टम पर। सिस्टम पर लिखा रहेगा? जी सर। अच्छा, उतना ग्राम गैस डाल देंगे। जी आप बताइए कि R22 गैस अगर हम चार्ज कर रहे हैं जी, उसका रनिंग प्रेशर कितना रखेंगे? R22 60 से 70। 60-70। रनिंग प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर में क्या अंतर है? क्या सर, रनिंग प्रेशर वो होता है जब हमारी एसी स्टार्ट होती है, चलती रहती है सर, उस पर जो प्रेशर बताता है वो रनिंग प्रेशर होता है। और स्टैंडिंग प्रेशर जब हमारा सिस्टम बंद रहता है, उस वक्त का प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर होता है। स्टैंडिंग प्रेशर होता है, बहुत अच्छा। हमारी जो हमारा जो ये होता है कैथरी, जी सर, उसको एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी कैथरी है, ये कैथरी काम क्या होता है एसी में? जी एसी में कैथरी काम होता है सर, प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। अगर कैथरी ना लगाई जाए, वहाँ पे मोटी पाइप लगा दी जाए, तो क्या नुकसान है सर? कूलिंग कम होगी सर, कूलिंग नहीं होगी। अच्छा, स्प्लिट एसी में जो कंडेंसर लगा होता है उसका नाम बताइए, कौन सा कंडेंसर लगा होता है? जी फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिंस ट्यूब टाइप। इवापोरेटर कौन सा लगा होता है? फिंस ट्यूब टाइप। फिंस ट्यूब पे ढूंढ लेते हैं। जी सर, बताइए 10x12 का रूम है जी, कितने टन की एसी लगाएंगे? 10x12 15 टन की एसी। 10x12 मतलब 10x12 का रूम है, उसमें 1 टन की एसी लगाएंगे कि 15 टन की, 1.5 टन में कितने टन की एसी लगाएंगे आप ये बताइए क्लियरली। थोड़ा सा किस कैलकुलेशन कुछ आपके पास होगा, आपके उसे डायरेक्टली बोलेंगे, जो भी हो आप बता दीजिए, सही गलत आप बताइए। इंटरव्यू देने के यार सर, 15 टन की एसी सर। 15 टन की एसी, ये आंसर आपका एकदम पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल आगे बताइए कि सर, आधा टन की एसी। आधा टन की एसी? जी सर। कितने बाई कितने ग्रुप में? जी 10x12 की। आपने एकदम गलत बताया है, और गलत बता दूँ फिलहाल, जान दीजिए आप, कोशिश ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये आप आंसर गलत बता रहे हैं। आप बताइए 1.5 टन की एसी कितने स्क्वायर फिट के एरिया को ठंडा करेगी? 1.5 टन की एसी। 1.5 टन की एसी। एक सौ पच्चीस स्क्वायर फीट। जी सर, 1.5 टन की एसी। जी बहुत अच्छे, ठीक है, आपने सही बताया। और उससे ज़्यादा भी करेंगे कि उससे कम करेंगे? जी 125 से कितने तक कर सकती है सर? कम करेंगे सर। ऊपर नहीं करेगा? जी नहीं सर। तो इसमें आपने जो टनेज के हिसाब से आपने जो कुछ भी बताया, इसमें पूरी तरीके से सही नहीं बता पाए आप, इसलिए जो टन वाला आपका क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से गलत माना गया है। जो आंसर आपका है पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल आप ये बताइए, आप टन कैसे पहचानेंगे कि एसी कितने टन की है? सर वैसे तो हम रो को देख कर पहचान सकते हैं। अच्छा, पर ये क्लियर नहीं है पूरा। तो क्लियर क्या? तो सर हमारे यूनिट पर सर एक रेटिंग लेवल होता है सर, उस पर सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर को देख कर हम पहचान सकते हैं। मॉडल नंबर भी दे सकते हैं? जी सर। अच्छा, उसमें सर सारा डिटेल रहता है सर। अच्छा, आप ये बताइए कि कैसे आप पहचान लेंगे एसी 1.5 टन की है? 1.5 टन की है सर, उसमें सीरियल नंबर सर 18 होगा सर। 18? जी सर। मतलब क्या होगा सर? 1.5 टन की है। 1.5 टन की है। अच्छा, टन का मतलब एसी इतनी वजन की होती है, इतने टन की होती है क्या सर? ये एक मात्रक होता है। अच्छा ठीक है, बस इतना ही होता है, मात्रक है, वजन नहीं होगा? जी नहीं सर। आप
आप बताइए कि विंडो एसी में जो एम्पियर एम्पियर लेती है, वो एम्पियर लेती है, करंट लेती है, कितना एम्पियर विंडो एसी लेती है हमारी डेढ़ टन की एसी लगभग? जी 4 से 8, 4 से 8 एम्पियर जी सर विंडो एसी लेती है। तो कैसे पता चलेगा कि आपको वो 8 एम्पियर ले रही है कि 4 एम्पियर ले रही है? सर मल्टीमीटर से, क्लैंप मीटर से सर नाप सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो आप कैसे जानेंगे कि एसी को इतना एम्पियर एग्जैक्ट लेना चाहिए? आप कैसे पता चलेगा कि एसी हमारे कितना एम्पियर लेनी चाहिए, उसके हिसाब से ना आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना ले रही है? पहले तो क्लियर पता होना चाहिए कि इतना एम्पियर रहेगा तो सही है, फिर आप चेक करेंगे अगर उतना एम्पियर आ सही मानेंगे और नहीं उतना आ रहा तो फिर गड़बड़। तो कैसे ये पता लगेगा एग्जैक्ट ही कितना एम्पियर लेगी? कुछ लिखा कर रहा है कहीं इसी पे? जी सर। हाँ क्या सर? सिस्टम पे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? कि इतना एम्पियर लेगी सर। इतना एम्पियर, तो उतना एम्पियर लेता है तो सही मानेंगे जी सर। उससे ज़्यादा लेता है तो सर खराब है सर। अब अच्छा, उससे थोड़ा बहुत कम लेता है तो सर गैस की कमी है, फिर थोड़ा बहुत इधर लेता है तो थोड़ा बहुत कम लेता है सर। थोड़ा बहुत कम है तो सर ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा कम है तो गैस की कमी होगी सर। 410 गैस को डालने की कुछ सावधानियाँ बता दीजिए आप। 410 गैस को डालने की कुछ सावधानियाँ, जो कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा 410 के, तो क्या सावधानी है? अच्छा हाँ, ये छोड़िए सावधानी से छोड़िए, आप ये बताइए कि 410 गैस जब भी गैस डालेंगे तो सिलेंडर उल्टा करके डालेंगे कि सीधा करके डालेंगे? नहीं सर, चाहे जब डालेंगे उल्टा करके ही डालेंगे। 410 जी सीधा करके डालेंगे तो क्या होगा सर? क्योंकि सर उसमें दो गैसों का मिश्रण होगा, सही से मिक्स नहीं होगा सर। मिक्स नहीं होगा तो कोई कम ज्यादा कर, हाँ सर कम ज़्यादा जा सकता है, तो वहाँ पर लिखा करके डालेंगे तो सर मिक्स होकर बराबर दोनों एक्यूरेट मात्रा में जाएगी, पूरी मात्रा में, तो दिक्कत नहीं आएगी जी सर। अच्छा सावधानी बताइए आप, हम सावधानी क्या होती है डालने की, मतलब वजन से डालते हैं 410 सर? 410 को जब भी डालेंगे हम सर वजन से ही डालेंगे, क्योंकि सर वजन से डालने पर सर कोई रिस्क नहीं है। अच्छा वजन से जी, जी कैसे पता करेंगे कितना गैस में डाली गई है? जी कैसे ये पता करेंगे कितना गैस में डाली गई है इसमें? सर हम अपने सिस्टम पर चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा होगा कि जितना पड़ी रहेगी उतना हम डाल देंगे, उतना डाल देंगे, फिर प्रेशर की कोई बात ही नहीं है ना? जी सर। वैसे प्रेशर से भी डाल सकते हैं लेकिन जी बटन नहीं होता है प्रेशर से, फिलहाल डाल सकते हैं। अच्छा आपने ये सारी चीज़ें सही बता दी है, आप सही है, क्लियर है। आप बताइए कि एसी की गैस को लॉक कैसे करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए बस, आपका कंफ्यूज क्लियर होता है। एसी की गैस को लॉक कैसे किया जाता है, मतलब रीस्टोर कैसे किया जाता है, और उसमें 410 गैस भारी भरी गई है सावधानी के साथ, कैसे की जाती है ताकि सर लॉक करने के लिए? सर हम गैस का प्रयोग करेंगे हाँ, और सर सबसे पहले हम डिस्चार्ज लाइन को, वाल को टाइट कर देंगे, फिर उसके बाद सर गैस आना स्टार्ट हो जाएगी सेक्शन लाइन से, हमारे आउटडोर में गैस स्टार हो जाएगी, जैसे ही जीरो पे आएगी हम उसे सक्शन लाइन, गैस की सुई जीरो पे आ जाएगी। हाँ सर गैस की सुई जीरो पे आएगी तो सक्शन लाइन को हम लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक माइनस में आ जाएगी, तब तक माइनस में आ जाएगी। फिर लॉक करने के बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे चलते रहने देंगे? नहीं सर तुरंत बंद कर देंगे। लॉक होते क्या करेंगे? बंद कर देंगे तुरंत ना? जी सर। बहुत अच्छे, तो अगर गेज ना लगाते तो कुछ दिक्कत होती? सर दिक्कत होती सर, क्या पता नहीं चलता गैस कितना जी, क्योंकि सर गैस से हमें 100% पता चलता है कि हाँ कितना हमारा स्टोर हुआ है कितना नहीं हुआ। बहुत अच्छे भाई, कुछ लोग ये देखिए एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को कि कुछ टेक्नीशियन जो है कि बगैर गैस लगाए गैस को रिस्टोर करते हैं, जबकि 101% गलत चीज़ है, 100% गलत है। वो कहते हैं कि भाई जब गैस ना लगाइए डायरेक्टली डिस्चार्ज को बंद कर दो, जब कंप्रेसर की पंपिंग पूरी तरीके से डाउन हो जाए, मतलब कि आवाज़ उसका चेंज करने लगे, कंप्रेसर बैठने लगे, तब उसको सक्शन को बंद करके तब जाके एसी को बंद कर देते हैं, तो ये गलत है। आप गैस लगाए रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये डाउन हो रहा है, मतलब कि गैस रिस्टोर हो रही है कि नहीं, हो गई कि नहीं, ये दिखाई देगा, ठीक है। तो गैस लगा के करिए, जब जीरो पे आ जाए सुई तो आप सक्शन लाइन को भी बंद करना शुरू करिए, और इतने में वो माइनस में भी चली जाएगी सुई, जिससे कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वो गैस रिस्टोर हो जाएगी हमारी। तो आप लोग हमेशा गैस लगा के ही रजिस्टर किया करिए, बस यही रीज़न होता है कि गलत तरीके से लोग काम करते हैं, नए नए टेक्निकल होते हैं, थोड़ा बहुत सीख करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं हम, तो उसी में दिक्कत आती है कंप्रेसर वगैरह ब्लास्ट होने का, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इजी है, सही वे पता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है आपने सही बताया, अच्छा अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को बताया, एक दो क्वेश्चन थे जो कि आपने नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है।